इसके साथ मैं गेम खेल रहा हूँ, ये बच्चे के साथ मैं गेम खेल रहा हूँ, देखता हूँ जीतता हूँ या हारता हूँ भाई। चलो तुम अपना दो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत, ऐसे करना है ना, ऐसे रखना है ना। अब एक 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 चलो दो, एक 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 अरे एक इधर में दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस वक्त हम लोग कुरकुट में रुके हुए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो करीब करीब मैं तैयार हो चुके हैं और देखते हैं आज क्या करते हैं, नेपाल से निकलते हैं या फिर उम्मीद है कि आज निकल जाएंगे, देखते हैं। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। अर्ली टू मॉर्निंग, तकरीबन 7:30 के करीब बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं। और आपको पता है कि आज हम लोग यहाँ रुके हुए थे कुरकुट में और बहुत मज़ा आया, सुबह सुबह निकल पड़े हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा आज का दिन, सभी का सुबह। सुबहानल्लाजी सखर लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन वाहिला इला रबीना अलमुल खलीबुन। इस वक्त हम लोग रुके हुए थे, ज़्यादा नहीं, रूम का चार्ज मात्र 500 रुपया रूम का चार्ज था। अब ये कह सकते हैं कि तीन जने में हम लोगों को खाना वाना खा के भी 500 से ज़्यादा नहीं पड़ा। रात का नाइट स्टे जो था हमारा वो 500 से ज़्यादा का नहीं था। काफ़ी खूबसूरत नज़ाराओं से भरा हुआ ये जगह है, देखते हैं। ड्रोन शॉट्स जितना होना चाहिए नहीं हो पाया है, आज हो पाता है कि नहीं। जैसे कल उड़ा एक चील आ गया था, इससे काफ़ी परेशानी हुई थी। देखे भाई सीन, देखे भाई, ओ भाई माशाल्लाह, गजब का सीन। सुबह का तो और भी क्या कहना। निकल पड़े हैं खुली सड़क पे अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, कहाँ है मंजिल कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। ये ऊपर तक लोग रहते हैं जिनको ऊपर जाने में 10-10 दिन 8-8 दिन लग जाता है भाई। ऐसा ऐसा भी पहाड़ी है, यहाँ भी 5-6 दिन लग जाता है ऊपर जाने में लोगों को। तो वैसा सिस्टम बना रखा है, बीच बीच में भी घर सब रहता है, रुकते पकते हुए सामान लेके पहुँचते फिर आते हैं। भाई क्या जगह है, हमने यहाँ रुक करके थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स लिया है। Thank you.
गजब की। और फिर इसे भी लगा दिया हूँ 360 को भी, ये भी एक मज़े का शॉट निकाल के देगा। हो क्या बात है, क्या बात है भाई। ओ नेचर नेचर भाई। और गाड़ी सुबह सुबह चलाने का तो मज़ा ही कुछ और है भाई। मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। कुछ भी कहिए, आपको नेपाल ज़रूर आनी चाहिए सही में अगर देखें तो। और ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये सभी मिट्टी के पहाड़ हैं, इस पर खेती की जाती है और किसान लोग करते हैं। बड़ा अच्छा है बना हुआ, एकदम से घबराहट नहीं होगी। हमें तो लग रहा था कि कुछ जो हम देख रहे थे ना अभी तक, उससे बिल्कुल अलग है। सुबह का नज़ारा मॉर्न तो बहुत समझाया नहीं न समझा अपना। किस सीन को लूँ, किसको छोड़ूँ, अब तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। सुबह सुबह है, गुड मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है जिधर भी देख रहे उधर। ओह क्या मज़े हैं। चढ़ता जा भाई, चढ़ता जा, चढ़ता जा भाई, चढ़ता जा, घूम घुमा के हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, चलते जाना, मुसाफिर यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। अभी हम लोग चलाने के मूड में नहीं है, बल्कि नेचर और नेचर को देखने और दिखाने के। ये सुबह सुबह की सूरज की ये खूबसूरती। मजा आ रहा भाई, सारा थकान दूर हो चुका है भाई। मेरा जो ख्वाब था कि मैं नेपाल की नेचर को दिल में देखूं, उसको कैप्चर करूं, वो ख्वाब पूरा हो रहा है भाई। मज़ा आ रहा है सही में, दिन का एक मज़ा ही अलग है। सुबह सुबह आपको सफ़र करनी चाहिए एकदम। देखिए क्या सीन सीनरी, गुड मॉर्निंग में एकदम से। क्या बात है भाई, मज़ा आ रहा होगा, आप लोग को भी देख सकते हैं। नेचर इतनी खूबसूरत है हमारे साथ, आप चलते रहे, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह नेचर का मज़ा ही कुछ और। ये भीगी सी और धीमी धीमी सी रोशनी में आप देख रहे हैं सोहेल सुल्तान ब्लॉग स्पेस नेचर को सोहेल भाई के साथ, और साथ में लिजाज का बहुत बहुत शुक्रिया लिजाज। अभी थोड़ा बैटरी डाउन हो गई थी, चेंज कर लिया भाई। अभी टॉप पे हैं, जैसे जैसे टॉप पे जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये सारी पहाड़ियों को चढ़ते हुए लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, टॉप पे जा रहे हैं, टॉप पे जा रहे हैं। और जैसे जैसे ऊँचा जा रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना ऊपर, ये इधर देखिए आप पहाड़ियों पर, तो जैसे जैसे ऊँचा हो रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है भाई। ये देखिए लगातार थोड़ी सी लंबा हो रही है, मैं समझ रहा हूँ इसको, लेकिन क्या करूँ भाई। ये देखिए कितना ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर हो रही है, देख रहे हैं वो भी इधर ही आ रहा बंदा। अभी टॉप पे है, देखिए आप टॉप पे बिल्कुल। ओह क्या बात है, पूरा टॉप पे है। देख रहे उस पर भी जाएंगे, वो ऊपर जो रास्ता देख रहे हो ऊपर, वहाँ तक भी जाना है। ऐसे ही देखते रहिए कैसे, ये देखिए वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, ये देखिए घूमते हुए
अभी हम देखिए इधर को घूमें, 250 मीटर ऊपर जाना है यहाँ से, 250 मीटर सोचिए फिर से कितना ऊँचे, तो पहले से ही हमें, और अभी और कितना ऊँचा जाना है। मैं पहली बार जब आप सफ़र करेंगे तो काफ़ी डर होगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, सब ठीक है, ये लोगों को आदत हो जाती है और सभी यहाँ बड़ी तमीज़दारी से चलते हैं भाई, और सभी ये नहीं रहता है क्या, ओ भाई नेचर देख रहे हैं, देखिए और यहाँ से 200 मीटर और, और चढ़ते ही जाना है और घूम घूम के आपको वहीं रहना होता है, ये अजीब है। अब नीचे देखेंगे ना तो कई रास्ते, अब ये देखिए आपको रास्ते दिखेंगे जहाँ से आप चल के आए, यानी अभी आप यहीं घूम रहे हैं भाई, हाँ घूम रहे हैं 200 मीटर और 250 मीटर वहाँ, यानी कि 450 मीटर तो अभी आप चलने वाले हैं। फिर जब डाउन होता है ना भाई, वहाँ बड़ा दिक्कत हो जाता है बड़े को। ये देखिए और टॉप पे है, और देखिए और टॉप, ये फिर चढ़ेगा, ये देखिए चढ़ाई, ये देखिए भाई, हाँ ये तो बन ही गया ना, ये सब पत्थर के पहाड़ वाले एरिए में है। ये देखिए ऊपर जो लोग जा रहे हैं वहाँ जाना है, हम देखिए बड़े को, सभी काफ़ी खुश थे, कोई ब्लॉगर ही थे, देखिए कितना टॉप पे है, ओ भाई ये तो ड्रोन जितना ऊंचा आएगा ना उससे ज़्यादा ऊंचा तो हम लोग आ गए कहाँ से आएगा 400 मीटर, ड्रोन इतना ऊंचा नहीं आ पाएगा जितना ऊंचा खुद हम लोग उड़ के आ गए हैं ऊपर तक, यानी हजारों मीटर 1 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर है अभी हम लोग यहाँ पर, शायद कहीं लिखा भी हो हाइट के बारे में भाई। ये नेचर देखिए यहाँ की, सरकार ऊपर वाले ने सब चीज़ इनको दिया हुआ है, क्या कह रहा भाई। ये बीच में ऐसा बाज़ार तो बड़ा गजब का खूबसूरत बाज़ार लग रहा है भाई, तो बढ़िया जगह है, सिंध है, और यहाँ कॉफ़ी हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, कैसे भाई संतरा कैसे है 200 रुपये, क्या बोले जी कॉफी 3 आपका है, ये कभी देखे क्या नाम है इसका तो इस वक्त देख सकते हैं हम लोग सिंधोली में हैं, एक छोटा सा ये बहुत ही पारे के ऊपर आकर के अगर आप गौर करेंगे तो ये मार्केट है, बड़ा खूबसूरत सा मार्केट है, अर्ली टू मॉर्निंग इसका तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, जब आप इसको देखेंगे तो काफ़ी सजाते जाए ये मार्केट है। यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी के लिए रुके, इस पर इधर कॉफ़ी पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, काफ़ी खूबसूरत जगह है ये सिंधोली है, 5 ये बंजोर 5 समथिंग, यहाँ नेचर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे संतरा वगैरह फ्रेश आपको इस तरह की चीज़ें यहाँ बड़ी आसानी से और मिल जाती है, तो अच्छा मार्केट है। अगर बात करते हैं नेपाल में, ये काफ़ी पहाड़ी के ऊपर आकर के है, काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ आकर के, तो आप देख सकते हैं, चलिए कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं। ये इसे डोनट बोलते हैं ये लोग, जिसे हम लोग पाव बोलते हैं, मॉर्निंग में कॉफ़ी के साथ हम लोग ले रहे हैं, इसके लिए भी लड़ाई हो रहा है देखते हैं कैसा है पाव है, लेकिन मीठा है, बढ़िया टेस्टी है, डिस्ट्रेस नेपाल के पहाड़ियाँ का इतनी नेचर और यहाँ के लोग खूबसूरत है, उसी तरह से ये बढ़िया है, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है तो अच्छा लग रहा है। सिंधोली में इस वक्त में हम लोग रुके हुए हैं, सिंधोली है ना, ये आप देख सकते हैं ये जो पेड़ होता है धूमन जिसका चलाते हैं आप लोग, सरलो पेड़ बुलाए थे उसको, उसका ये बंदा रास्ते में आ रहा था तो बीच लिया है उसका, एक फूल है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में है उसमें, क्या देखिए कितना खूबसूरत नेचर से इसको बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत सड़कों पर गिरा हुआ मिलता है, काफ़ी बढ़िया है, ले लिया ये साथ में यादगार
देख रहे सुपर आचार्य सुमन आचार्य जी हमारे साथ मिले, इन लोगों ने बहुत बढ़िया बात किया। आपका क्या नाम भाई? विनय पौरल जी हैं, और काफ़ी अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में इन्होंने बताया कि आगे जो है सिंधुली में कौन सी जगह हो? सिंधुली गढ़ी के बारे में बताया, जहाँ पर अंग्रेज से लड़ाई करा था यहाँ के योद्धा ने और जीता भी था। तो बहुत कुछ है वहाँ पर स्टोरी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग भाई यहाँ के लोग अगर बाइक खरीदते हैं ना भाई, तो बहुत महंगा पड़ता है। अपने यहाँ जो बाइक आपको मिल जाएगी 3 लाख रुपये में, वो यहाँ इनको 9 लाख रुपये नेपाली पड़ेगा। बैट लगता है डबल, कितना परसेंट? 13% बैट लगता है, डबल लगता है इन लोगों को, काफ़ी पैसा लग जाता है भाई। बहुत मज़ा आया, कुछ लोग मिल गए, उन लोगों ने ब्लॉग सब्सक्राइब भी कर लिया चैनल को, और अच्छे लोग थे, काफ़ी मज़ा आया इन लोगों के साथ। भाई यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अगर आप बात करें जैसा नेचर बढ़िया है, लोगों का भी नेचर बढ़िया है, और अच्छे बहुत अच्छे से बात करते हैं, और उनको लगता है कि भाई कैसे रखें इन लोगों को, कितना इन लोगों को इज्जत दें। आज शिवरात्रि है, और यहाँ के लिए तो भाई मैंने देख लिया, आप ठीक है, बुलेट अच्छी गाड़ी है, ज़मीनी गाड़ी है, लेकिन अगर इधर आप आते हैं ना, तो आपके पास होना चाहिए रेसिंग बाइक, फिर बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए, मज़ा आया। यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी लिया, तकरीबन 60-70 रुपये का कॉफ़ी था, और उसके साथ वो बिस्किट, तो पाँव जिसको बोलते हैं पाँव था, तो ठीक ही था, काफ़ी मज़ा आया। चलिए अब यहाँ चलते हैं, सिंधौली थी ये, कुछ हिस्टोरिकल जगह सब भी है बीच में, अगर मौका लगा तो देखते हैं। तो बने रहिए लगातार, सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी हाइक पे है तो ठंड लग रहा है भाई ठंडा लग रहा है, ठंडा जैकेट पहने हुए लोग मिले ना, देखे ना हम लोगों ने, ओ भाई काफ़ी हाइट पे हम लोग, काफ़ी हाइट पे, आप देख सकते हैं नीचे, देखिए कुछ लोग ले लेते हैं मन पे यार, एक बाइक है पीछे में भाई ने तो बैठा रखी है, गर्लफ्रेंड है, लेकिन अगर बात करें तो देखेंगे कि एकदम उससे लोग नहीं है, बट मेरे से आगे निकलने में वो बात ये देखी। चाहिए घूमने ऐसे भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा काठमांडू के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे सिंधी घाटी वगैरह है, यहाँ भी आ सकते हैं, सिंदूरी घाटी जो है
आगे यहाँ नाश्ता वगैरह करें, फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं आते हुए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं भाई, बाबू सोना के साथ भी आ सकते हैं, जो भी आपका बाबू सोना है। अब निचले आ गए हम लोग ज़मीन पर पहाड़ी से, अभी भी हालांकि हरी से ही रातू फूल ब्रिज, जिस वक्त में पानी होता होगा क्या होता होगा, क्या खूबसूरत लगता होगा भाई। पानी जब चलता होगा ना मज़ा आ जाएगा भाई। तो ये सफ़र जो है हमारा पहला, सफ़र ऑफ राइडिंग। तो ये राइडिंग का जो मेरा ये फर्स्ट सफ़र है, तीसरा दिन है, तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे फैमिली को, मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने ये गाड़ी खरीद के हमें दिया है, जो बहुत प्यारी गाड़ी है, उससे मैं कहीं भी राइड कर सकता हूँ, खासतौर से इंडिया, नेपाल, भूटान वगैरह, बांग्लादेश वगैरह भी कर सकते हैं, तो ऐसा वक्त आएगा तो। दूसरा थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ ताज आलम साहब को, डॉक्टर ताज आलम साहब, जिनका साथ हम जहाँ बिजनेस करते हैं हमारे साथ में है, कभी उन्होंने सवाल नहीं किया कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए यार, हम अकेला इतना कैसे करेंगे, बल्कि उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, बोला कि जाओ तुम जहाँ घूमना चाहते हो घूमो, राइड करो, अपना वीडियो बनाओ। वो बड़ा गिट्टी का टायर लगाना होगा। आप लोग तो जल्दी आ गए, हम लोग रुकते हुए आए हैं। सड़कें कितनी साफ है देखो, चेक करें पूरा एकदम क्लीन, ऐसा कचरा नहीं कुछ नहीं। और यहाँ भी रील्स के दीवाने बच्चे हैं, देखिए देख रहे, इसलिए हिंदी सब खूब समझ रहे हैं। रील्स के दीवाने, ये सभी रील्स के दीवाने हैं बच्चे, रील्स का दीवाना है सारा बच्चा दिख रहा है। और ये क्या है गेम दिखा, ये देखिए ये खेलेगा, देखो इस कार्ड में क्या होता है, देखो ये कार्ड है, ये 330 है, अगर सामने वाले का इससे कमजोर आया ना कार्ड दो मुझे, कुछ कार्ड मुझे भी दो, ये मुझे दो, चलो ये मेरा है, इसके साथ मैं गेम खेला हूँ, ये बच्चे के साथ मैं गेम खेल रहा हूँ, देखता हूँ जीतता हूँ या हारता हूँ। चलो तुम अपना दो, नहीं जी ऐसे करना है ना, ऐसे रखना है ना, चलो दो, अजय एक, चलो एक 280 है मेरा, 30 ओ यार हार गया मैं, अच्छा चलो कोई नहीं दूसरी बार ट्राई करता हूँ, अच्छा चलो अकेला, चलो चलो निकालो, तुम दिखाओ पहले अपना ट्रक को, तुम ये देखो पहले दिखा, ये तुम पहले क्यों दिखा दिया, ये जितने टाइम भी यूज कर सकते हैं, अच्छा 190 यार, इसमें लगता है छोटा छोटा ही है, तुम्हारे में बड़ा बड़ा है, चीटिंग चीटिंग कर रही है, मुझे छोटा छोटा दे दिया है, कमजोर वाला मुझे दे दिया है, ये 330। तो सुबह का नाश्ता आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्राइड मोमोज है, आज हमने फ्राइड ऑर्डर करा है, काफी टेस्टी था इनका वाइल्ड वाला, आज देखते हैं फ्राइड कैसा रहता है, साथ में एक रेड बुल है।
पीछे जरा खींचे, आ जा भाई, आ जाओ आ जाओ, रुकिए थोड़ा धक्का दे दो, खुदाई है ना इसलिए फंस जाता है उसमें। ठीक है थैंक यू, फंस गया था यार, निकल ही नहीं रहा था। ये जगह भाई का फेवरेट हो गया था यार, रुक के गाड़ी फंस गई थी यार। कार्ड कह रहा फुल हो गया, ओ क्या करो, तो रुकेंगे तो कुछ करेंगे, कार्ड फुल हो गया उसका, मेमोरी होना चाहिए साइड। ये सीरियस ही बोलना, मजाक में नहीं लीजिएगा।